हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ये अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है डेली यूज इन्फॉर्मेशन। तो आज की जो वीडियो है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो मैं बात कर रहा हूँ कि मेरे पास एक प्रॉब्लम आई थी कि मैं अपनी हार्ड डिस्क को अपने अगर मैं अपने मैकबुक में लगाता हूँ तो वो काम नहीं कर रही थी, क्योंकि वो विंडो फॉर्मेट में थी, मुझे लगानी है इसमें। अब मुझे मैं इसे फॉर्मेट कर रहा हूँ तो ये फॉर्मेट नहीं हो पा रही है, तो इसको मैं फॉर्मेट कैसे करूँ मुझे समझ है मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। तो ये जो हार्ड डिस्क है एक्सटर्नल, वो हम कैसे फॉर्मेट कर सकते हैं, बहुत सिंपल है। सबसे पहले हम जाएंगे एप्लीकेशन में हम जाएंगे यूटिलिटी में, सबसे नीचे है ये, इसे हम क्लिक करेंगे डबल, और फिर हम आ जाएंगे अपने ये जो है आ गया डिस्क यूटिलिटी में, ठीक है। तो ये देखिए, यहाँ पे जो मेरा मैकबुक है उसकी हार्ड डिस्क है और यहाँ पे है एक्सटर्नल की, ठीक है। अब मुझे इसे करना है फॉर्मेट, ठीक है। तो ये देखिए, या तो मैं रिस्टोर करके उसको सही कर लेता हूँ, अगर ये रिस्टोर करके नहीं होती है तो मैं इसको करूँगा इरेज। और ये देखिए, यहाँ पे ये पूछेगा कि मुझे किस में चाहिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर, अगर आपकी विंडो होगी तो आपको विंडो दिखा देगा, मुझे चाहिए इसमें मैक ओएस में, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे कर दूंगा और कर दूंगा इरेज। तो ये इस तरीके से इरेज हो जाएगी आप, और जो अब आपकी ये हार्ड डिस्क है वो नॉर्मली आपके उसमें काम करने लगेगी, आप कॉपी पेस्ट कर सकते हो, हर चीज़ कर सकते हो। अदरवाइज़ नहीं तो वो जो हार्ड डिस्क होगी वो आपके पास देख ही सकते हो और उसमें से डाटा रीड कर सकते हो और कुछ नहीं कर सकते हो, बस उसमें फोल्डर भी कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते हो, बस इसमें अब सब कुछ कर सकते हो। तो ये देखिए हो रही है और ये डन हो चुकी है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग क्या करते हैं, इसको फॉर्मेट कर सकते हो। तो आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा तो एक लाइक कर देना, कुछ पूछना हो तो आप मुझे कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं एक और नए ऐसे ही टॉपिक के लिए, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।